हिंदुस्तान के बादशाह खुर्रम शाह ने आपके लिए एक खत भिजवाया है मेरे आका। हिंदुस्तान का शाह भी अजम के फितने से तंग आ चुका है, वो भी हमारे साथ इस सफर में हिस्सा लेना चाहता है। हमारा भी उसके साथ बैर है मेरे आका। तैमूर समरकंद को एक बार फतह कर चुका है और अब वो उसको वापस लेने की नियत रखता है, लेकिन शाह साफी की वजह से नाकाम रहा। ये तो तय है कि उसके आने से हमारी ताकत बढ़ेगी। सिनान पाशा, जल्द अज जल्द ये खबर उन तक भिजवा दोगे, हमें उनकी ये तजवीज कबूल है। बगदाद के वली ने आजम मंजिल में तोपे तैयार करवाई हैं मेरे आका, और मजंदरान से ऐसी फौज लाए हैं जिनके पास बंदूकें हैं। वो जितने भी ताकत हमारे खिलाफ लेकर आए, लेकिन उनमें हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं होगी। अजमियों की तरह वो ये नहीं जानते कि बहादुरी क्या होती है। बहादुरी जुबान, नस्ल और कौम से नहीं होती ताहिर पाशा, बहादुरी दिल से होती है। सुल्तान मुरादान मोहम्मद खुर्रम शाह, आखिर को हिंदुस्तान के मशहूर हुक्मरान से मिलना नसीब हो ही गया हमें। आपसे मिलना तो मेरी खुशनसीबी है, बहुत ख्वाहिश थी मुझे आपसे मिलने की, आखिर को आज मुलाकात हो ही गई, ये मेरे लिए बायस से फख्र है। कुछ तहाइफ आपके लिए लाया हूं, कबूल कीजिएगा। ये सब मैंने खुद तैयार किया है खास आपके लिए। बहुत खूबसूरत तोहफा है ये, इसे देखकर वालिदा खुश होंगी। आपकी बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं, और ये भी सुना है कि तीरंदाजी और निशानेबाजी में आपका कोई सानी नहीं। मैं आपके लिए शेर की खाल से बनी ढाल लेकर आया हूँ, ये खास 8 तहों वाली ढाल है, और इसकी खास बात यह है सुल्तान कि तीर तो क्या, नेजा भी इसके पार नहीं हो सकता। अच्छा, तो इसे नेजा भी नहीं गुजर सकता। आगाओ, नेजा लेकर आओ। हुसैन आगा, निशाना लगाकर साबित करो कि ये सही है या गलत। जो आपका हुक्म। मैंने आपसे कहा था यह एक मजबूत ढाल है जो आपकी हिफाजत के लिए है।
जैसा आप कह रहे थे वैसा ही हुआ है। शाह साफी को चोरी छुपे लड़ने की आदत हो गई है, वो लूटमार का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, शाह साफी को मुंह तोड़ जवाब देने का यही सही मौका है। बस एक बार बगदाद फतेह कर ले, उसके बाद तो शाह साफी को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह मेरे आका, हम उन पे दोनों अतराफ से वार करेंगे, हमारी आधी फौज एक तरफ से और आधी दरिया के दूसरी तरफ से, इससे हम उन पर बासानी काबू पा लेंगे। अगर मैं गलत नहीं तो तुम मशहूर अमीर गुने हो ना, और शाह साफी के दोस्त भी। ये पुरानी बात थी, अब ये सिर्फ मेरा वफादार और पाशा है। ये बात तो तय है कि सामने दुश्मन भी कमजोर नहीं, हम इस जगह से हमला करेंगे और आप लोग यहां से, यानी दरिया के उस पार से हमला करेंगे आप लोग। इस तरह से दुश्मनों को भागने का मौका नहीं मिलेगा और इंशाल्लाह फतेह हमारी होगी।